को सच का पता लगाने में नकचड़ की मदद करनी है बिना उसके सामने आए। मैं भी तुम सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ। ये काम मुश्किल है गुल्लू। मैं अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी अम्मी, अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपने भाई की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। बिल्कुल डाल सकते हो भाई। मेरे भाई, तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसके लिए मेरे अम्मी अब्बू और अनजाने में मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। भाई, तुम्हारा बीता हुआ कल तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल बनाने के लिए मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे आने वाली 7 पुश्तें मेरी अम्मी अब्बू जैसी निकलेंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा गुलबदर। लेकिन सबसे पहले तुम्हें नकचड़ी यानी शहजादी की देखने में मदद करनी होगी। देखने में? क्या देखने में? देखिए देखिए आका, ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। असल दरवाजे के पीछे तो इससे ज्यादा कहीं खतरनाक दर्दनाक मुसीबतें मिलेंगी। बकवास बंद करो। नहीं देखने ये नमूने। आप मुझसे तो हुक्म चला सकते हैं, लेकिन असल दरवाजे तो भाड़ में गए। असली दरवाजे और भाड़ में गए सारे के सारे नमूने। नहीं चाहिए हमें कुछ। मैं यहाँ से फौरन निजात फरमाओ। तो हुक्म मेरे आका। मुर्गियां देती हैं अंडे, बासी नहीं ताजा। गायब हो जाए ये नमूना। कि जिन तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती या तुम्हें सुनाई कम पड़ता है। का मुझे आपकी सारी बातें समझ में भी आती हैं और सुनाई भी ठीक देता है। क्यों? हमारा पैर अब तक यहाँ फंसा हुआ है। आका, इतने अरसे से आप मेरे साथ हैं, लेकिन आपको आपको हुक्म देना नहीं आया। आपने कहा दरवाजे गायब कर दो, मैंने कर दिए, लेकिन आपने शिकंजे के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। आखा, आपका चेहरा लाल क्यों हो गया है? आंखों से आंख क्यों बरस रही है? आका, इस आसान सी मुश्किल ने आपका ये हाल कर दिया है तो सोचिए, उन असली दरवाजों के पीछे जो मुश्किलें हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अबाश! अबाश! फौरन इसे हमारे पैर से हटाओ। बताओ, राज़े कायनात तक पहुंचने के लिए अगला कदम क्या है? आका, हमें जादुई कमरे से होते हुए खुफिया रास्ते तक पहुंचना होगा, जिसमें चल के हम उन 3 दरवाजों तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। इतना सारा सोना दे दिया, सोन मीनार खड़ा कर दिया, बाबा और क्या करना होगा? आका, बहुत मेहनत बाकी है। अभी हमें एक चुड़ैल की चोटी और एक बेवकूफ की टोपी दोनों चाहिए। ये हमारा पैर है, कोई नींबू मिर्च नहीं जिसे तुम निचोड़ रहे हो और रगड़ रहे हो। हमारी जान लोगे क्या? आका, जान लेनी होती तो पैर क्यों? आपका गला नहीं दबाती क्या? कुछ तुम एक काम करो, तुम हमारे पैर मत दबाओ, तो जाके पता लगाओ कि वो क्या क्या चुड़ैल की चोटी तुम्हें कहाँ मिलेगी। जहाँ चुड़ैल मिलेगी वहीं
चुड़ैल की छोटी मिलेगी। या खुदा, और चुड़ैल कहाँ मिलेगी? किसी बेवकूफ की टोपी भी तो चाहिए, अरे इन्हीं की काम आ जाएगी। क्या 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 काम? काम काम नहीं, आम आम, गर्मियों में आम आ जाएंगे और उससे पहले मुझे उस चुड़ैल का नाम याद आ जाएगा। मैं चलता हूँ, चुड़ैल का नाम याद करता हूँ। भाई मेरे भाई, अलादीन की मदद करने में मैंने कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी? या खुदा, शहजादी के सामने जाते ही मेरी जुबान पर ताले पड़ जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है और हाथ पांव कर जाते हैं, क्या करूं? शहजादी, ये कहां जा रही है? मैं भी जाता हूं। शहजादी, 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 सीधे सीधे जो बोलना है बोलो गुलबदन, वरना हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, इधर आइए इधर आइए। शहजादी, दरअसल बात यह है कि कैसे कहूं? बोलो। पाशा सलामत का कत्ल अलादीन ने नहीं, वजीर आला ने किया था। क्या? वही तो बताना चाहता था मैं आपको, वहां ले जाकर। अच्छा हुआ तुमने हमसे ये कह दिया। वरना किसी और को कह देते तो मुश्किल हो जाती सुबेदार। आपकी आवाज को क्या हुआ? मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही बड़ी आसानी से शहजादी को सब सच बता दोगे? नहीं, नहीं, नहीं। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चिराग का जिन कम अकल है जरूर, लेकिन है काम का। हमें पूरा यकीन है कि राज़े कायनात तक और उन सारे खुफिया दरवाजों तक पहुंचने के लिए यही हमारी मदद करेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही कुछ देखना, ना ही मैं किसी को कुछ बताऊंगा, ना ही मैं ये बताऊंगा कि बादशाह सलामत का कातिल अभी तक जिंदा, ना ही ये बताऊंगा कि भाई मेरा भाई अभी तक जिंदा, और ना ही ये बताऊंगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे नींद में बड़बड़ाने की बीमारी है, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया, लेकिन अब ये बीमारी ठीक हो गई है। मुंह बंद करके आंखें खोलो। आका, मुझे पता था कि इस गुल्लू को उल्लू बनाना बहुत आसान होगा। तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए हमने तुम्हारे सामने पहले शहजादी, उसके बाद जीनू उर्फ जुनैद का बहम पैदा किया, और तुम उन्हें देखते ही अनाप शनाप बातें करने लगे। मतलब अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो मुझे लगा कि हुआ, पर असल में वो हुआ ही नहीं। हाँ गुल्लू, हाँ आका, इससे ना हो पाई। क्यों ना हो पाई? हो पाई। भाई मेरे भाई, जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, क्या तुम अपने भाई को दूसरा मौका नहीं दोगे? देखो भाई, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ गुलबदन, तभी तो तुम्हें एक जरूरी काम दे रहा हूँ जो ना मैं कर सकता हूँ और पकड़े जाने के खतरे की वजह से ना टोली कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो गुलबदन। डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
पूरे बगदाद में झूठ का कोहरा फैल चुका है। सच देखने के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। ये कैसी ऐनक है? और से गहराई में जाके आंखें खोल के देख जरा, तूने जितना सोचा था सच उससे ज्यादा होता है। सुल्तान शाहनवाज, या अल्लाह, अब्बू का पैगाम आज तक हमारी नजरों से बचा रहा, पर कैसे? अब्बू का पैगाम हमें सिर्फ इस ऐनक से दिख रहा है। आखिर क्या राज है इस ऐनक का? ये हमें दिखाना क्या चाहती है? शहजादी, ये देखिए मैं आपके लिए हीना का लेप लेकर आई हूँ। आप इसे अपने बालों में लगाएंगे ना तो बाल लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे। आप इस ऐनक के साथ मुझे देख कैसे हंस क्यों रही है? क्योंकि पिद्दी, लेप की हमें नहीं तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मतलब पिद्दी खाला, आप बूढ़ी हो रही है, आपको तो सफेद बाल आ गया है। शहजादी, आपको कैसे पता चला? आपको पता चल गया इसका मतलब सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा उसके बाद। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये वाली दास्तान मत शुरू करो और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको तो पता चल गया ना। हम बगदाद की सुल्ताना है, हमारी नजरों से ज्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं रहता। तो क्या ये ऐनक हमें वो दिखाने के लिए है जो हम आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे? पर ये ऐना क्या रखी किसने? भाई मेरे भाई, अब तक तो शहजादी सच्चाई की ऐना की खासियत समझ गई होंगी ना। खुदा करे तुम्हारी तरकीब काम कर जाए, शहजादी उस ऐनक का इस्तेमाल कर ले। ये दोनों बातें जरूर होंगी, पर खेल के अगले दौर में, जो हमें जल्दी शुरू करनी होगी। रात के दिन तुम हकीम बनकर मुफ्त इलाज के बहाने बाजार में औरतों को इकट्ठा तो कर लोगे। इस बात की मालूमात कैसे होगी कि चुड़ैल कौन है? नींबू मिर्ची की मदद से आका, मेरा मतलब है हाईजान। चराग पिजन, पुदीने की चटनी नहीं बनानी है, चुड़ैल ढूंढनी है हमें। पुदीने की चटनी बिना नींबू मिर्ची के बन सकती है, लेकिन चुड़ैल बिना नींबू मिर्ची के नहीं। आका, मैं अपने जादू का ऐसा जादू करूंगा कि नींबू मिर्ची जब मेरे पास रहेगा और सभी ख्वातीनें इस नीम हकीम यानी कि मेरे पास आएंगी, तो वो नींबू मिर्ची तभी लाल होगा जब गिर्द गिर्द कोई चुड़ैल होगी। मैं यकीन है कि ये नुस्खा काम कर जाएगा और नींबू मिर्च लाल होंगी। बेशक,
जिस तरह से बच्चे के कान भरोड़ते ही उसका कान लाल हो जाता है और जिस तरह मैं आपको देखते ही खुशी से लाल हो जाता हूँ, उसी तरह नींबू मिर्ची भी उस चुड़ैल को देखते ही लाल हो जाएगा। दावा बड़ा भी है और मजेदार भी, लेकिन अगर चुड़ैल नहीं मिली तो। भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं, जब जीत पक्की हो तो हार के बारे में क्यों सोचना। खैर फिलहाल आप आराम कीजिए, मुझे कल के लिए काफी तैयारियां करनी, चलता हूं, खुदा हाफिज़। चिराग गजन तो बहुत बड़े दावे कर रहा है कि चुड़ैल मिल जाएगी, ना जाने उसका ये तरीका कैसे काम करेगा। हाँ मिलेगी चुड़ैल। ये हंसी की आवाज लगता है अली साहब के कमरे से आ रही है, जाकर देखे तो जरा। भाई मेरे भाई क्या बात है, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अली साहब सुबेदार गुलबदन, ये क्या हो रहा है? वो वजीर आला क्या है ना, अलादीन के चालाक भूत ने बड़ी चालाकी से इतने दिन तक हमें परेशान किया, पर वजीर आला मैं भी चालाक कम नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ आकर ये देखना चाहता था कि कहीं उस चालाक भूत ने और चालाकी दिखाकर महल में किसी पर काबू तो नहीं कर लिया। चालाक कहीं का वो चालाकी की हर चाल की दोनों टांगे टूट जाएं, बगदाद के दुश्मन भूत के सर और किस्मत फूट जाएं। अब वजीर आला वो ये मुझे किसी फकीर ने सिखाया था। और आप लकीर के फकीर के आपने उनसे भूखना भी सीख लिया। वैसे ये है क्या वजीर आला, इन जैसों के लिए ये सब क्या है, कुछ भी करते हैं कुछ भी कहते हैं, जहालत के मैदान में घास चरते हैं। जाओ जाकर अपना और भी घास चरो जाके, मेरा मतलब है सुबेदार जाओ और जाकर अपना बाकी काम करो। जाओ। अली साहब सही कह रहे हैं। आदाब आदाब वजीर आला। अच्छा वजीर आला आपने इसे भेज दिया, आइए बैठिए वजीर आला और बताइए कि आपको यहाँ कैसे आना हुआ। अब तो अलादीन की रूह चली गई, अब आप दोबारा अपने असली मकसद को तवज्जो दे सकते हैं। आपका अगला कदम क्या होने वाला है? अली साहब हम सोच रहे हैं कुछ दिनों के लिए कोई कदम ना उठाए, अब हमने अपने असली मकसद तक पहुंचने के लिए इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और कर ले क्या फर्क पड़ता है। हम एक बात समझ गए हैं कि जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होता, रात काफी हो चुकी है, अब आराम करें। जी सफर अपने असली मकसद यानी राजे कायनात का जिक्र होते ही बात टाल क्यों दिया, या तो वो मुझे अपने अगले कदम के बारे में सीधा सीधा बता दे, या तो उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है मैं टेढ़े तरीके से पता करूंगा और नक्षड़ी को भी बताऊंगा।
ये देखो, तंदुरुस्ती हो अपनी तो मर्ज पराए, सभी औरतें अपना इलाज कराएं, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। यहाँ देखिए, आपके सामने बगदाद के सबसे अव्वल हकीम हैं। आइए, आप लोग अपनी बीमारी यहाँ लेके आइए और उसका इलाज पाइए, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। मेरी तरकीब जरूर काम आएगी, चुड़ैल तो जरूर मिलेगी, और आज ही मैं चुड़ैल की चोटी आका को दूंगा। रही बात बेवकूफ की टोपी की, वो भी जल्दी मिल जाएगी, ताकि रौज़े कायनात तक पहुंचने के लिए पहला दरवाजा खुल सके।